बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं उत्तरा मुरली, आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी को अनपढ़, गवार से सहित कई सारे अपमानित शब्द कहने वाले एक बीजेपी नेता, जिसका मैं नाम अब नहीं लेना चाहता, आपको बता दें कि उसके द्वारा काफी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग बहन कुमारी मायावती जी के प्रति किया गया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही है और देश के कद्दावर नेताओं में उनका नाम गिना जाता है, इसमें कोई दो शक नहीं है। आज भी वो भारत की, आपको बता दें कि तीसरी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी की प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो यानी कि कुल मिलाकर राजनीति के करियर के अगर हम देखने की कोशिश करें तो बहन जी ने ये सब कुछ अपने दम पर हासिल किया है। तो इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से लगातार इस तरीके की ऊल जुलूल बयानबाजी सामने आती रहती है। बीजेपी के एक मेयर जो कि बीजेपी के नेता भी हैं, उन्होंने आपको बता दें कि बड़बोले नेता के तौर पर उनको जाना जाता है, माना जाता है, उनकी तरफ से एक अपमानवीय टिप्पणियां है बहन कुमारी मायावती जी पर की गई थी। उसके वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर पहले अपलोड है, वहां से आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, पूरे वीडियो अपलोड है। और उसके बाद आपको बता दें कि अब बहुजन समाज पार्टी ने इसको जिला अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई है, यानी कि कलेक्टर के समक्ष इन्होंने शिकायत रखी है। साथ ही आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने इस मामले के अंदर मुकदमा दर्ज करवाने के बाद कहा है कि अगर मुकदमा के ऊपर भी कार्रवाई नहीं होती, पुलिस अगर संज्ञान सही से नहीं लेती है, तो वो इस मामले को लेकर एक तरीके से उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट तक भी जाऊंगा, हाईकोर्ट में भी जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में, यानी बीएसपी की तरफ से जो बहुजन समाज के एक वकील है उन्होंने आपको बता दिया कि मुकदमा दायर किया। अगर आपकी पूरी अप्रोच को हमने सुनके सुनना चाहते हैं तो चैनल पर अपलोड है।